नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टेक। दोस्तों, आपके सभी कमेंट्स का भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट्स आते हैं, लेकिन सारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ता हूं। और एक ऐसा कमेंट है जो बार बार मुझे पढ़ने को मिल रहा है कि सर कॉपीराइट आया था, हमने वीडियो ही डिलीट कर दिया, क्या अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई कॉपीराइट आने के बाद अगर आप वीडियो डिलीट करते हैं तो क्या चैनल मोनेटाइज होता है, या फिर कॉपीराइट आने के बाद वीडियो डिलीट करना होता भी है या नहीं, या फिर क्या करना होता है। वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि वीडियो की भावना में खो जाने वाले हैं आज। और भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो हमें जरूर कर दीजिए, क्योंकि वहां पे मैं अच्छे अच्छे पिक्स तो पोस्ट करता ही रहता हूँ, और क्यू एन ए सेशन भी आजकल मैं वहां पर करने लगा हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अरे जो कॉपीराइट है ना, इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, एक होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है कॉपीराइट क्लेम। दोनों में खासा फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। अब लोग कहते हैं कि सर कॉपीराइट आया और वीडियो डिलीट कर दिया, तो ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है। देखिए अगर आपके चैनल पे किसी भी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो भैया वीडियो डिलीट करने का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वीडियो तो ऑलरेडी टेक डाउन हो जाएगा। यानी कि स्ट्राइक का मतलब यह है कि अगर आपने किसी का वीडियो, छोटा सा क्लिप या कोई भी विजुअल या फिर कोई भी ऑडियो या फिर कोई पिक्चर अपनी वीडियो में यूज किया है, तो सामने वाला जो ऑनर है, कंटेंट ऑनर है, वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है और आपका वीडियो टेक डाउन कर लिया जाता है। टेक डाउन का मतलब भी मैं आपको और इजी कर देता हूं, आपका वीडियो डिलीट कर दिया जाता है वहां से और आपको मिल जाती है एक स्ट्राइक, जो कि आपके चैनल पर 3 मंथ तक रहती है, 90 डेज तक। इसका एक और रूल है, 90 डेज तक अगर 2 कॉपीराइट और आ जाए, यानी कि 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। आपको सिर्फ 7 डे मिलेंगे अपने चैनल पर वो कॉपीराइट हटाने के लिए। अब ये कॉपीराइट हटाएगा कौन? तो देखिए कॉपीराइट दिया है कंटेंट ओनर ने, तो भैया आपको जो मांडवाली करनी होगी ना, जो वो करनी पड़ेगी आपको कंटेंट ओनर से, यानी उसी से आपको बातचीत करनी पड़ेगी और उसका आपको मेल आईडी भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि सर नहीं, हम तो कॉपीराइट आता तो वीडियो डिलीट कर देते हैं। मेरे भाई वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता, वो होता है कॉपीराइट क्लेम। जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो उस पर लिखा आएगा इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट। इसका मतलब यह है कि आपने किसी भी बड़ी म्यूजिक कंपनी का कोई ऑडियो वगैरह यूज किया है अपने वीडियो में, तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम देते हैं। अब ये क्लेम क्या चीज है और इसके बाद वीडियो डिलीट करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके यहां आ जाएगा तो वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और 3 महीने के लिए आपका चैनल अफेक्टेड होगा। लेकिन अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपके चैनल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ इसका मतलब यह है कि जो आपका वीडियो है उससे जो रेवेन्यू आप कमाने वाले हो, जो पैसा, जो डॉलर आप कमाओगे, वो शेयर हो जाएगा कंटेंट ओनर में और आप में। और ज्यादातर जो रेशो है वो 50-50 है और इसको यूट्यूब खुद ही कर देगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब मान लो आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो रेवेन्यू शेयर नहीं करूंगा, अब आपने वो वीडियो डिलीट कर दिया, यानी कि कॉपीराइट, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, अगर कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पे आया और आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो क्लेम भी वहीं खत्म हो गया, क्योंकि उसने क्लेम ये किया था कि इस वीडियो में मेरा म्यूजिक था तो इसके आधे पैसे मैं लूंगा, ठीक है। आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो क्लेम भी खत्म हो गया, और कॉपीराइट क्लेम आने से ना तो आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही आपके चैनल पर कोई फर्क पड़ता है। लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो बाकायदा आपका जो वीडियो है वो डिलीट कर दिया जाता है, टेक डाउन कर दिया जाता है कंटेंट ओनर के द्वारा, और आपके चैनल पर 3 महीने तक वो कॉपीराइट स्ट्राइक रहता है। तो आई थिंक यार आप ठीक से आप समझ गए होंगे कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो भैया वो तो 3 महीने रहेगा ही रहेगा। उसके लिए हालांकि आप काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हो, उसके लिए मैंने काफी वीडियोस बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन जो कॉपीराइट क्लेम आता है उसके बाद ही आप वीडियो को डिलीट करते हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और, आप बहुत बार पूछते हो सर कॉपीराइट क्लेम आ गया, हमने 10 वीडियो बनाई, 3 वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ गया, हमने ऑडियो यूज किया था, तो क्या चैनल मोनेटाइज होगा? बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कॉपीराइट क्लेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आई है तो हो सकता है कि आपका मोनेटाइज ऑन ना हो, क्योंकि कई चैनलों का नहीं हुआ है और कईयों का हो भी गया, कंफर्म कुछ भी नहीं है। हालांकि यूट्यूब की पॉलिसी में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कॉपीराइट कंटेंट यूज करते हैं और आपकी स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन कईयों का हो भी गया है इसलिए इसमें कंफर्म कोई भी नहीं बता सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्लेम क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है और ये आने के बाद हमें क्या एक्शन लेना है।
पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है। चैनल पर पहली बार आए इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। उससे होगा ये जब भी मैं बनाऊंगा कोई नई वीडियो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन और कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।